एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ पुलिस की बर्बरता हो रही है। आपको बताते चले कि स्थानीय पुलिस के दखल का आलम यह है कि शराब तस्कर को गाड़ी उपलब्ध कराने में भी दिलचस्पी ले रही है और गाड़ी नहीं देने पर जबरदस्ती गाड़ी को कागज जांच के नाम पर ड्राइवर के घर से ही गाड़ी उठा ले जाते हैं। उक्त घटना भास्कर कुमार पवड़ा निवासी अमरदीप कुमार का है, जो कि पेशे से गाड़ी चलाता है। उसने मामले की जानकारी देते हुए एसपी अवकाश कुमार से गुहार लगाई है। बेगूसराय टुडे के लिए चिड़िया बरियारपुर से कुमार गौरव की रिपोर्ट। ने जागीर ने आया, जागीर ने बोला हमको, चौकीदार ने बोला हमको, चौकीदार ने बोला जब राजेश के तुम लोग बंदी में काहे गाड़ी रखे हो, यहाँ पर तुम दे दो ले चौकी अथी राजेश को 20,000 रुपया देगा राजेश। हम बोले राजेश को नहीं देंगे गाड़ी, और राजेश को नहीं देंगे, राजेश आदमी ठीक नहीं है, उसलिए हम गाड़ी राजेश को नहीं देंगे शुक्रवार को। फिर क्या हुआ? फिर हुआ तो रविवार को आए दरोगा साहब, आए फोर्स लेकर आए तो जहांगीर आया। पहले नशा शराब में आया जहांगीर, मुंह बहक रहा था। राजेश भी था वहीं पर, राजेश भी था, बोला गाड़ी पेपर दिखाओ। हम बोले लॉकबंदी में गाड़ी पेपर देखने वाले आप कौन होते हैं? बोले नहीं गाड़ी चोरी का है, आप मालिक भी चोरी का है, मालिक चोराक फोर्जरी मालिक चलाता है गाड़ी। हम बोले फोर्जरी गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी मत ले जाइए लॉकडाउन में। मगर तब फिर वही सर अपने से गाड़ी खोल के अपना चाबी से ले चल गए, चाबी मौजूद है हमारे पास। क्या नाम है आपका? आपका हमारा नाम है भास्कर कुमार सूर्या प्रमोद सिंह चांदपुरा।